फीवर 104 FM के भारत पॉजिटिव शो से मैं शरद बात कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग। भारत पॉजिटिव शो में पॉजिटिव लोगों की कहानी लेकर आते हैं हर रोज, और आज ऐसे ही एक पॉजिटिव शख्स हमारे साथ हैं, श्री अनीश। ही इज अ स्पिरिचुअल मास्टर, ही इज अ कोच, ही इज अ मेंटर, ही इज अ पब्लिक स्पीकर एंड ही इज ऑल्सो एन ऑथर। इन्होंने रिसेंटली किताब लिखी है जिसका नाम है लेट द मड सेटल। तो श्री अनीश से मैंने पूछा कि इस किताब का थॉट कैसे है, तो उन्होंने कहा हुआ ये शरद कि एज यू नो आई वॉज CEO फॉर अ वेरी लार्ज सॉफ्टवेयर कंपनी जी, और मुझे उम्र में जल्दी सक्सेस मिल गई। मैं 29 साल का था जब मैं एक CEO बन गया जी, बिल्कुल। और 30 साल की उम्र में द मंक सोल्ड हिज फरारी, सो ऑफ कोर्स आई डिड नॉट बिकम अ मंक एंड आई डिड नॉट हैड अ फरारी, दैट्स ट्रू, बट आई मूव्ड टू द माउंटेन्स। और मैंने स्वयं को जानने की, इस नेचर ऑफ लाइफ को जानने का बड़ा प्रयास किया जिसको हम स्पिरिचुअल क्वेस्ट बोलते हैं जी। मैंने शास्त्रों को भी पढ़ने की कोशिश की बट मेरे पल्ले कुछ पड़ा नहीं। Suddenly we are connecting with you, Shri Anish. Yeah, I wanted to bring the reality here. और क्योंकि शायद उस वक्त की भाषा बहुत अलग थी जो आज की भाषा से एकदम मेल नहीं खाती जी, और मुझे लगा कि मुझे तो आज की भाषा में ही बात करनी है अपने मित्रों से, तो इस किताब का ख्याल आया कि जिंदगी के गूढ़े रहस्यों को ऐसे प्रस्तुत किया जाए जैसे वो बस आज ही की बात है, जैसे वो आपके और मेरी लाइफ की बात है जी। जैसे वो हमारे रिश्तों की बात है, हमारे प्रेम संबंधों की बात है, हमारे करियर की बात है, हमारे बच्चों की बात है, हमारी पेरेंटिंग की बात है, हमारी क्रिएटिविटी की बात है, हमारी हैप्पीनेस की बात है, कुछ कहानियां, कुछ एक्सरसाइजेस सब डाला इस किताब के अंदर। और थैंकफुली बहुत अप्रिसिएशन मिला इस किताब को, और इसका नाम दिया हमने एज यू कैन सी लेट द मड सेटल। Why this title? एक ही तो चीज है जिससे हम सब जूझ रहे हैं शरद, कि हमारे भीतर की मिट्टी बड़ी हिली हुई है। हमारी Ask me. हमारी थॉट्स और हमारे इमोशंस हमारे भीतर की मिट्टी को बहुत हिला देते हैं, और वो पानी पीने योग्य नहीं रहता। सो एक ही चीज करनी है हमें, अगर हमें आनंदित रहना है हर समय, लेट द मड सेटल।